हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंजर्वेशन का क्या मतलब है। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग होगा यहाँ पर नो चेंज, या कोई ऐसी चीज जो सेम रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पर मोमेंटम की बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो पहले ही काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, according to this law, total momentum of the system of object, of the system of objects before and after collision, before and after collision, before and after collision will remain conserved या same। ठीक है, will remain same या will remain conserved, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब change नहीं होगा, जैसा था वैसे रहेगा। So, क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। और एक कंडीशन भी यहां पर ध्यान रखिएगा, उसको भी लिख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन देम। देखिए क्या मतलब है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम, बस विल रिमेन कंजर्व या विल रिमेन सेम। क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कंटेनर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव करेंगे तो इनका कुछ मास भी होगा। ठीक है, सबका अलग अलग मास है मान लेते हैं, और ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी से, अगर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो इनका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा मतलब मोमेंटम चेंज होगा। तो हमने क्या किया, सबका इंडिविजुअल मोमेंटम, सबका अलग अलग पर्सनल मोमेंटम जितना था कैलकुलेट किया, और मान लेते हैं हमने कैलकुलेट करके कुछ देखा कि कुछ 100 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोलिजन हो रहा होगा तो इनके अलग अलग आपस में मोमेंटम जो होंगे चेंज हो रहे होंगे, लेकिन इनका टोटल मोमेंटम जो 100 था अभी भी सेम है। ठीक है, बस यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब कोई पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनके आपस में मोमेंटम चेंज होंगे, लेकिन जो टोटल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वो हमेशा सेम रहेगा। बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंडीशन क्या है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब वहां पे कोई अलग से फोर्स अप्लाई ना हो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्सल लॉ होता है, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होगा जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे आप अर्थ की बात करो, किसी और प्लैनेट की बात करो, या स्पेस की बात करो, इवन ये छोटे से एटम के, एटम में भी एप्लीकेबल होगा, और जो बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं उनमें भी एप्लीकेबल होगा, मतलब छोटे से छोटी बॉडी या बड़े से बड़ी बॉडी, हर जगह ये यूनिवर्सल लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का एक छोटा सा प्रूफ। देखिए, मान लेते हैं एक कोई हमने सिस्टम लिया है, जिसमें मान लेते हैं एक ये बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये कुछ u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। ठीक है, साइड मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से। एक और बॉडी है जिसका मास है कुछ m2, और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस तरफ। ठीक है, मान लेते हैं किसी केस में कि ये जो u1 वेलोसिटी है, u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, मतलब इस वाले बॉडी का जो वेलोसिटी है इस वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये इसको हिट करेगा जाके, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, जाके हिट करेगा इसको। तो जिस टाइम पर ये हिट कर रहा होगा, मान लेते हैं ये इसको हिट कर रहा है, मास तो सेम रहेगा अभी भी m1 और ये m2,
तो जैसे ये हिट करेगा ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पे लगाएगी। तो अगर ये इस पर F1 लगाएगा, अगर ये बॉडी इस पर F1 लगाएगा तो ये बॉडी इस पर कितना लगाएगी, F2 लगाएगी। ये क्वांटिटी में सेम होंगे दोनों, ठीक है, मतलब इसको हम नेगेटिव लगा देते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और क्वांटिटी में सेम होंगे, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ये जो एक दूसरे से टकरा है, कोलिजन हुआ, ये कुछ टी टाइम के लिए हुआ। तो जब कोलिजन हुआ अब क्या होगा, देखिए जब ये अलग अलग होंगे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं अभी भी बॉडी का मास M1 है, इसका मास कितना है M2 है। अब इनके वेलोसिटी चेंज हो गए, कोलिजन होगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो इनका मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अभी इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं V1 हो गई और इसकी वेलोसिटी कुछ V2 हो गई मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का कितना था, M1 U1, इसका कितना इनिशियल मोमेंटम था, कितना था M2 U2, ये हो जाएगा। इसका मोमेंटम कितना था, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा M1 V1, और ये हो जाएगा यहाँ पर इसका मोमेंटम M2 V2। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखिए पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है जो F1 होगा वो F2 के इक्वल होगा, जितना फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स दूसरे पे भी अप्लाई होगा, बट इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन हमने यूज किया। ठीक है, समझ में आगे बात, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पर प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। देखिए अब F1 क्या है, F1 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 A1, और यहाँ पर F2 कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, M2 A2। देखिए आपकी बुक में हो सकता है मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग किया हो, आप वो भी वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर मोमेंटम इतना था पहले, इस बॉडी का मोमेंटम पहले इतना था अब इतना हो गया, तो मोमेंटम चेंज हुआ कितने देर में, टी टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए इसका मोमेंटम पहले इतना था बाद में इतना हो गया टी टाइम में, तो इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों फोर्स इक्वल है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मतलब आप जो कंक्लूजन निकलेगा वो सेम निकलेगा। मैं आपको इजिएस्ट वे बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, अब M1 A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो F1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब U1 से वेलोसिटी चेंज हो गई इसकी V1, पहले U1 था बाद में V1 हो गया, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा U1 - V1, और ये कितनी देर में हुआ, टी टाइम में, ठीक है, इक्वल टू सेम यहाँ पर भी M2, और M2 के प्लेस पर सॉरी M2 और उसके बाद A2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा U2, देखिए U2 और बाद में V2, U2 - V2 / T, ये हो जाएगा, समझ में आ गया ये। अब देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है, यहाँ पर अब M1 और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में U1 - V1 इक्वल टू M2 U2 - V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो M1 U1 - M1 V1 इक्वल टू M2 U2 - M2 V2, ये हो जाएगा। इस वाले माइनस को इधर ले जाते हैं, इस वाले माइनस को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा M1 U1, ये इधर आ जाएगा, एक मिनट कुछ गलती हो गई है, M2 U2 और यहाँ पर M1 V1, यहाँ पर ये माइनस चल रहा था ना, हाँ माइनस चल रहा था, यहाँ माइनस चल रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब ठीक है, ठीक है, ये माइनस छूट रहा था, तो अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं, माइनस वाले को इधर ले जाना है और इस वाले माइनस को इधर ले जाना, मतलब तो पॉजिटिव करना है पूरा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस M2 U2 इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, तो M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, बस ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए देखिए क्या था, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आप ध्यान से देखो, तो M1 U1 और M2 U2, M1 U1 और M2 U2, ये क्या है, टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन, तो लिख लेते हैं
टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है, एम वन वी वन, एम टू वी टू, एम वन वी वन, एम टू वी टू। ये मोमेंटम कब है, टोटल मोमेंटम कब है, आफ्टर द कोलिजन। तो यहां पे लिख लेंगे हम इसे, क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और जो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप ये तरीका अपना के आपको अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है उससे प्रूफ कर सकते हो। और इस ये अगर प्रूफ तो इम्पोर्टेंट है ही, खैर, और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ।